सभी जनन को राम राम। मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान द्वारा बहनाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए लाडली बहना योजना चालू की गई थी, जिसको लेकर आज हम मुंगावली में कुछ महिलाओं से चर्चा करेंगे, जानेंगे उनसे कि यह योजना उनके लिए कितनी कारगर साबित हो रही है, उनको इस योजना का लाभ मिल रहा है कि नहीं, और वह किस तरीके से अपनी राशि को खर्च कर रही हैं। हमारे साथ कुछ लाडली बहना हैं, आइए हम जानते हैं उनसे कि वह किस तरीके से इस राशि का उपयोग कर रही हैं। क्या नाम है आपका? सुशीला विश्वकर्मा। 1000 रुपये की राशि मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया द्वारा मामा द्वारा दी जा रही है, इस संबंध में क्या कहना चाहेंगी आप? धन्यवाद मिल रही है और राशन पानी का खर्चा चल रहा है, अपना खर्चा चला रहे हैं। समय पे मिल जाते हैं पैसे के, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आती है? समय पे मिल जाते हैं। कैसे उपयोग कर रही है राशि का? अब घर में राशन पानी ले लेते हैं और क्या। खुशी हो रही है कि नहीं कि ये योजना से 1000 रुपये की राशि मिल रही है आप? खुशी क्यों नहीं होगी, जब लाडली बहन आप बनाएंगे तो खुशी तो होगी होगी। और भी हमारे साथ लाडली बहना है, आइए हम उनसे जानते हैं कि क्या कुछ कहना है उनको इस योजना के बारे में, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, बहुत अच्छी योजना निकाल ली है मामा जी ने, हम जी बात से बहुत खुश हैं, सब लोगों के लिए टाइम से पैसे मिल रहे हैं और घर में है ना कुटी भी निकल ले आई है, गैस सिलेंडर सब व्यवस्थाएं करी है, बहुत अच्छी बात है। आने वाले समय में मामा ने कहा है कि 1250 अगले महीने से 1250 मिलेंगे, आगे 3000 के कहा है कि 3000 मिलेंगे, तो इस संबंध में क्या कहना चाहेंगी आप? बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। और बड़े मिलना चाहिए कि कैसा क्या कहना चाहेंगी? हाँ, बढ़ के मिलना चाहिए, 3000 है तो बहुत अच्छी बात है, मामा के लिए धन्यवाद कहना चाहती है हम। और भी हमारे साथ लाडली बहना है, आइए हम उनसे जानते हैं कि क्या कुछ कहना है उनसे इस बारे में, क्या कहना चाहेंगी? पैसा और कहा है मिलेंगे और बड़ा पानी चल रहा बहुत है, तो अभी 1250 कहा है अगले महीने से 1250 मिलेंगे, तो इस संबंध में क्या कहना चाहेंगी? और 3000 को लेकर भी कहा है कि आगे 3000 मिलेंगे, बढ़ा दो तो और भाई और का चाना है, जो ही तो चाना है। क्या करती हैं अभी आप, कुछ रोजगार धंधा कर पा रही हैं जो मिल रहे हैं उससे, या कुछ कहना चाहेंगी? अरे तो कुछ नहीं कर रहे सर, अब घर में काम चल रहा है, घर परिवार चल रहा है, अब कुछ नहीं रहा। नहीं तो अभी 1000 और 1200 मिलेंगे तो क्या खर्च कर पा रही हैं, क्या कर पा रही हैं इससे? करेंगे फिर मिले तो। तो अभी जो मिल रहे हैं उससे कुछ बचत भी हो पा रही है क्या, खर्च हो रहे हैं? नहीं नहीं हो रही बचत। और अगर आगे ज्यादा मिलते हैं तो करेंगे बचत, जैसे 3 मिलेंगे तो 1500 करेंगे, 1500 बचा के कुछ खर्च पानी धंधा पानी देख लेंगे, ऐसा और का। और भी लाडली बहना है उनसे जानते हैं कि क्या कुछ कहना है उनका, क्या कहना चाहेंगी आप? क्या कहें बताओ। नहीं तो ये योजना चल रही है। हाँ तो बढ़िया, पैसा मिल रहा है, खूबकुटी न करे आए, गैस नहीं मिले, गैस मिल जाए और बढ़िया है। नहीं तो अब जैसे 1200 मिलेंगे आगे, तो इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? आगे 3000 की भी घोषणा की गई है। 3000 मिलेंगे, बढ़िया बात है। तो और भी लाडली बहना है, आइए हम उनसे जानते हैं क्या कुछ कहना है उनका इस बारे में, क्या कहना चाहेंगी आप? बंगाला ना शर्मा जी, कुछ नहीं हमें मिल रहा है, यही बहुत है, हमें कुटी दे रही वहाँ भी बहुत है, 3000 मिलेंगे तो फिर से अभी हम खर्च चले वो कछ हमें भी दिक्कत नहीं है। नहीं तो कुछ अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, खुशी हो रहा है, हम खर्च तो चल रहा है, हम तो वैसे ही गरीब हैंगे, 3 साल की कही थी मैंने, मेरी 3 साल जरूर नहीं और बढ़ाने का कहा है कि आगे और बढ़ के भी मिलेंगे तो मिल जाए तो और अच्छी बात है, लाभ मिले तो हम तो सब जाने ले भी दिया, गरीब इंसान तो जही सोचता है कि हमें मिलता ही रहे ना, और भी दे रहे हैं। और भी लाडली बहनाएं, आइए हम उनसे जानते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगी आप, क्या कहना चाहेंगी आप, खुशी हो रही है कि नहीं? खुशी है भैया, और कुल दुख ही है, खुशी है, अब 3000 हो जाएंगे, 6000 भी हो जाए तो और अच्छी बात है, हम तो जही को बैठे तो आगे और बढ़ के अगले महीने से तो 1250 मिलना है, अब 10 तारीख को तो इंतजार है कि नहीं रात है? क्यों नहीं है, पैसा किसी को बुरा लगता है, हम तो वैसे ही परेशान है, कहूँ बुखार चढ़ रहा है, कहूँ कहूँ तो हाल हमारे काम है तो आ जाते हैं, बैंक जाते ही निकल जाते हैं, निकल जाते हैं, कोई परेशानी नहीं है, कोई रोक छिड़ नहीं है, इंतजार रहता है कि नहीं? जो भी चीज कुटी लाई, गैस अकेलो नहीं मिलो, कुटी आ गई, खूब बन गए मकान पक्के में रह रहे हैं, 10 तारीख का इंतजार रहता है कि नहीं? क्यों नहीं रही, खुशी की बात है कि अब पैसा निकाल भी जाएंगे, मामा ने रहे तो हमें तो अच्छी बात। मुंगावली में हम यहाँ लाडली बहनाओं से चर्चा कर रहे थे, उनका काफी कुछ लाभ हो रहा है और उनको 10 तारीख का इंतजार भी रहता है कि उनको खुशी रहती है कि राशि मिलती है, घर में उनके खर्च भी चलते हैं। मुंगावली से बुंदेली बौछार के लिए भानु प्रताप सिंह डांगी।
सुनिए, त्योहार आने वाले हैं, हम कब तक इन्हें किराए के घर में ही मनाएंगे? हम अपना घर कब लेंगे? ले ही लिया समझो। कल मैं बुंदेलखंड गोल्डन सिटी गया, वहाँ के ड्यूप्लेक्स बहुत खूबसूरत है। होशंगाबाद रोड जाटखेड़ी की प्रीमियम लोकेशन, वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंग डिजाइन, लश ग्रीन गार्डन और रेट्स हमारे बजट में। बुंदेलखंड गोल्डन सिटी, विजिट टुडे।